दोस्तों हमारी पुरानी फिल्मों के कई पारिवारिक सीक्वल में बहुत सारी अदाकाराओं ने माँ की अहम भूमिका अदा की है, जिसे दर्शक आज भी असल जिंदगी में माँ के नाम से ही पुकारते हैं। और भले ही एक्ट्रेस माँ के किरदार में निभाने के बाद कितनी ही मॉडर्न अवतार में बड़े पर्दे पर क्यों ना दिखाई दी हो, मगर दर्शक इन्हें आज भी फिल्म वाली अंडरस्टैंडिंग और समझदार माँ के रूप में याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ऐसी 10 अदाकाराएं जिन्होंने माँ की भूमिका को बड़े पर्दे पर बखूबी निभाया था, पर इनमें से दर्शक किसे माँ के रूप में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कौन है नंबर वन माँ के स्थान पर, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 10 माओं से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कौन है दर्शकों की पसंदीदा माँ। नंबर 10, रत्ना पाठक। दोस्तों, अगर आपने थप्पड़ मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने इस फिल्म में एक समझदार और हिम्मत वाली माँ की भूमिका अदा की थी, जहाँ ये अपनी बेटी के साथ हर पल अपने सही गलत के साथ खड़ी रहती है। नंबर 9, जया बच्चन। फिल्म कभी खुशी कभी गम में अपने सौतेली बेटे के लिए हर वक्त तड़पने वाली माँ जया बच्चन ने इस फिल्म में अपने सगे बेटे से ज्यादा अपने सौतेली बेटे को पसंद किया था, और दर्शकों को इनकी यही सौतेली माँ का अच्छा नेचर और बिहेवियर इतना ज्यादा पसंद आया कि दर्शक आज भी जया बच्चन को ऑन स्क्रीन एक परफेक्ट माँ मानते हैं। नंबर 8, रेखा। कोई मिल गया मूवी तो आपने 10 बार देखी होगी, जिसमें रेखा ने मिसेस मेहरा और रोहित की मां का किरदार बखूबी निभाया था। फिल्म में एक ऐसी ना समझे बेटे की मां होती है, जो अपने बेटे की कमी को साइड में रखकर हमेशा उसका मोटिवेशन बनी रहती है, और दर्शकों ने रेखा के इस हेल्पिंग और एक्सेप्टिंग नेचर वाली माँ के रोल को इतना ज्यादा पसंद किया था कि दर्शक आज भी रेखा के लिए फिल्म साल में 2-3 बार तो देख ही लेते हैं। नंबर 7, हेमा मालिनी। भगवान मूवी में 4-4 नालायक और मतलबी बच्चों की माँ की भूमिका निभाने वाली हेमा मालिनी आज भी दर्शकों की फेवरेट माँ है, और दर्शक इन्हें माँ की भूमिका में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 5, रीमा लागू। फिल्म कुछ कुछ होता है में अपनी क्यूट और ममता भाई माँ के किरदार से दर्शकों के बीच में एक्ट्रेस रीमा लागू ने बहुत ज्यादा प्यार हासिल किया था, जहाँ इस फिल्म में अपनी बेटी अंजलि की खुशियों को पूरा करने के लिए उसकी माँ शादी तक तोड़ देती है। नंबर 4, हिमानी शिवपुरे। मैं प्रेम की दीवानी हूँ मूवी में हिमानी शिवपुरी ने एक लालची और खड़ूस माँ का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया, मगर हाँ, इस फिल्म में ये अपनी बेटी को और भी ज्यादा अमीर और अच्छे घराने में भेजने के लिए सारी कोशिशें कर देती है, जिसके चलते ये दर्शकों के दिल में उतर गई थी। नंबर 3, फरीदा जलाल। कुछ कुछ होता है मूवी में शाहरुख खान की प्यारी और चमत्कारी माँ का किरदार निभाया था अभिनेत्री फरीदा जलाल ने, जो आज भी दर्शकों की फेवरेट ऑन स्क्रीन माँ बनी हुई है। नंबर 2, किरण खेर। देवदास फिल्म में ऐश्वर्या राय की नाचती झूमती हुई मां के रूप में नजर आने वाली अभिनेत्री किरण खेर को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जो अपनी बेटी को उसके प्यार के पास जाने के लिए हमेशा इनकरेज करती रहती थी, और दर्शकों के मुताबिक अगर ऐसे ही मां समाज में हर किसी की हो जाए तो लड़कियों को अपने सच्चे प्यार का गला घोटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, राखी गुलजार। अभिनेत्री राखी गुलजार ही वो माँ है जिसे दर्शक माँ के किरदार में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे की फिल्म करण अर्जुन में ये दुर्गा माँ बनी हो या फिर अनाड़ी फिल्म में इन्होंने एक सीधी सादी अबला माँ का रोल निभाया हो, क्योंकि इन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में ममता मई माँ के किरदार से दर्शकों को हर बार एक अच्छी और सच्ची माँ की मिसाल पेश करने के लिए मजबूर किया है, और इसीलिए इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है। दोस्तों, आप किस ऑन स्क्रीन माँ के दीवाने हैं, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।